Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. कहता एक सर्वे है, उसमें क्या 67% पीपल क्या प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, 73% प्रोडक्ट P2 को लाइक करते हैं और X% पीपल है वो दोनों को लाइक करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। आप यहाँ देखिए कि परसेंटेज में दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आप क्या करोगे, 100 मान लोगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, 100। टोटल नंबर ऑफ पीपल वो क्या हो जाएंगे आपके, 100 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स परसेंटेज में है ना, तो 100 मान लिया। वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, लेट कर लेंगे वो 100 है। और जो P1 है, P1 दिया हुआ, तो P1 इसको लेट लिख लेना। अब P1 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ P1 वो कितना था, 67%, तो 67 हो गया। और नंबर ऑफ P2 था, वो था 73%, तो 73 हो गया। और कहता है कि बोथ का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, वो कितना था, X%। ये था। अब यहाँ पे हमें यूनियन निकालना है। यूनियन दिया हुआ नहीं, यूनियन निकालना है। तो यूनियन का फॉर्मूला लिखोगे आप, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ P1, नंबर ऑफ P2 और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन, वो एक्स का वैल्यू रख दी। 140 माइनस x नंबर ऑफ P1 यूनियन यार नंबर ऑफ P1। अब आप एक देखिए कि जो यूनियन होता है वो क्या होता है कि यूनिवर्सल है, जैसे 100 यूनिवर्सल होता है, तो या तो वो उसके इक्वल होगा। यूनियन आया, मान लो कि आपकी एक पूरी फैमिली है, तो आके आपकी जो फैमिली डिवाइड हुई आपके और आपके चाचा की, तो वो क्या हो सकती है, या तो वो आपके दादा की फैमिली के इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है। या तो उतने ही मेंबर होंगे यानी इकट्ठे होंगे, या अलग अलग हुए तो उससे कम हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 होगा वो क्या होगा, इसमें लेस देन इक्वल टू 100 होगा, या तो वो 100 के इक्वल आएगा। ये क्या है, यूनिवर्सल है, टोटल बोला ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल उसमें 100 है, तो उसमें क्या होगा कि जो यूनियन आएगा या तो वो उसके इक्वल आएगा या उससे लेस देन आएगा। तो यहाँ पे यूनियन की वैल्यू क्या थी एक्चुअली में, वो पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 140 इधर जाके माइनस का हुआ, तो माइनस का 40 आ गया। अब यहाँ माइनस एक्स है, इसको पॉजिटिव करना है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो क्या हो जाएगा फिर, चेंज, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या कह रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल 40 होगा। अब दूसरा क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन होता है, नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन नंबर ऑफ P2, ये क्या होता है, लेस देन होता है नंबर ऑफ P1 से। ऐसे ही इंटरसेक्शन ये लेस देन होगा P2 से, क्यों होगा आपको पता ही है कि जो यूनियन इंटरसेक्शन है वो क्या है, एक सेट के से तो लेस ही होगा ना, क्योंकि उसके अंदर से निकला है, तो या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मान लो कोई सेट है, उसमें दिया हुआ है 1 और 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो और दूसरे में दिया हुआ है 2, तो इनका कॉमन क्या आया, दोनों का 2 आया। अब 2 आया, वो नंबर पहले वाले सेट से इक्वल हो सकता है या उसके कम, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और वहां पे 2 एलिमेंट से, या तो उसके इक्वल आएगा या उससे कम आएगा, ऐसा ही ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो ये इंटरसेक्शन है, ये क्या होता है, सबसेट होता है नंबर ऑफ, पहले सेट का भी सबसेट होता है और दूसरे सेट का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ये होता है, क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन है, हेलो मेरे किसी का साउंड आ रहा है, क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन है वो एक तो क्या होगा कि फर्स्ट जो सेट है उसके लेस देन और इक्वल होगा, ऐसे ही वो दूसरे के सेट के भी लेस देन और इक्वल होगा। दूसरा वो सबसेट होता है दोनों ही सेट का, P1 का भी और P2 का भी। तो आप यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज है इसका यूज कीजिए, इंटरसेक्शन क्या था x, तो x इज लेस देन P1, P1 कितना है 67 और x इज लेस देन 76।
अब ये कहता है कि एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 67 से, और ये कहता है कि लेस देन होनी चाहिए 73। तो 73 से लेस देन क्या है 67, तो 67 से ही नीचे की वैल्यू आ गई। कैसे? मान लो कि आप एक नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ पे 73 है और यहाँ पे 67। मैंने कहा कि 73 से छोटा लीजिए और फिर मैं कहता हूँ कि 67 से छोटा लीजिए, तो आप 67 से ही छोटा बताओगे ना, क्योंकि 73 वाले से छोटा 67 के अंदर आ जाता है। तो यहाँ x की जो वैल्यू आप लोगे वो क्या लोगे, therefore यहाँ x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन क्या हो जाएगा 67। तो ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई। ये कहता है कि x इज लेस देन 67 और ये कहता है x इज ग्रेटर देन 40। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और लेस देन इक्वल टू 67, ये वैल्यू आएगी। जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब देखिए आप आगे एक 14th क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे पार्ट फाइंड आउट करने हैं। इसको हम आज थोड़ा इजी तरीके से करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है इन्हें सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट। अब सर्वे किया गया बेटा, ये यूनिवर्सल कहता है, नेट यूनियन है। यहाँ पे क्या किया गया कि सर्वे बोला है, सर्वे का मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल है ये, इसने ये नहीं बोला कि ये यूनिक। ये अब सर्वे करता है, किसी गांव में जाता है मान लो, या आपके गांव में आ गए तो वहां बहुत सारे पीपल है, उनमें सर्वे करेगा। तो उसमें से क्या पढ़ने वाले कितने हैं, अच्छा अब पढ़ने वाले बहुत से हैं, किसी ने फर्स्ट क्लास पढ़ी, कोई सेकंड क्लास पढ़ा, कोई टेंथ क्लास पढ़ा, तो उसमें से सर्वे करेंगे कि टेंथ क्लास तक पढ़े हुए कितने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है उसमें से बिना पढ़े भी हो, तो अब ये होगा ना टोटल गांव में जैसे स्ट्रेंथ है मान लो कि 2000 की है, तो 2000 यूनियन तो नहीं हो सकता ना, उसमें पढ़े लिखे कितने हैं वो उनका यूनियन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिवर्सल है 25। अब इसलिए बोला है कि इट फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए और इसके लिए है। तो एक डायग्राम देखिए आप कि मैंने इस टाइप से ये डायग्राम बना रहा, यहाँ आपके ये मैथमेटिक्स का हो गया, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ये मैथ, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। इसको ए सेट मान लो, इसको बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए इस टाइप। तो आप लिखोगे भी यहाँ पे लेट ए बी एंड सी सेट फॉर मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, ये सेट है, ये इसके लिए, बी इसके लिए, और सी इसके लिए। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपने लिया, फिर आप इसके बाद है ना एक काम कीजिए, आप है ना स्मॉल ए बी सी डी ई एफ इस टाइप के ना क्या एलिमेंट्स मान लीजिए कुछ, या नंबर्स लीजिए आप, कि जैसे यहाँ ये इसके लिए ए है, इसके लिए स्मॉलेस्ट ए है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट ए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट बी, फिर सी, फिर डी ई एफ जी, ऐसे लिखना है यहाँ पे। और इसमें आप लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ है वो डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो ये आ गया ए बी सी, ये आ गया डी ई एफ और सी। तो ये लिख दो कि ए बी सी डी ई एफ एंड सी, डी डी एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्टिवली सेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी के ये क्या हैं, एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी इस टाइप से। अब आप देखिए कि इसने बोला क्या है कि अब आप यहां से देखिए कि ये सेट ए है, ये सेट ए है, ए सेट है, ए सेट में क्या है मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ ए सेट। अब ये जो पहला इस टाइप से पहला सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एलिमेंट्स लेके कौन कौन से, ए डी बी और ई, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, चारों आ रहे हैं ना, ये और ये और ये चार आ रहे हैं इसके अंदर। मैथ के लिए है तो उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ए डी ई और डी है,
ए बी डी और ई, वो कितना दिया हुआ था नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, कितना दिया हुआ इसने नंबर ऑफ मैथमेटिक्स दिया हुआ इसने 15, तो ये किसके इक्वल है 15 के। बेटे माइक म्यूट कीजिए बेटा, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? ये 15 के इक्वल है। ऐसे ही नंबर ऑफ बी सेट का देखिए, नंबर ऑफ बी सेट, तो वन माने नंबर ऑफ बी सेट, ये रहा यानी बी डायग्राम बना हुआ था, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, बी सी ई और एफ, तो लिखिए आप बी सी ई और एफ, बी सी ई और एफ, ये कितना दिया हुआ है अभी देखते हैं हम। और ऐसे ही सी के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, सी में क्या आ जाएगा, ये सी डायग्राम है तो क्या आएगा डी ई एफ सी, डी सी एफ और, तो नंबर ऑफ जो बी सेट था उसके लिए यानी फिजिक्स के लिए कितना दिया हुआ था इसने 12, और केमिस्ट्री के लिए दिया हुआ था 11, तो ये 12 है, ये आपका 2 नंबर हो गया, और ये 11 था, ये 3 नंबर हो गया। तो फिजिक्स के लिए 12 और केमिस्ट्री के लिए 11 ये था। अब आप आगे देखिए, आगे इसने क्या बोला है कि फाइव हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री देखो आप, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ है, ये रहा केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो एंड के लिए ये बीच का पार्ट ऐसे आता है ना यहाँ पे, ये मैथ था और ये केमिस्ट्री था, तो मैथ और केमिस्ट्री का ये पार्ट सिर्फ दो के लिए, थर्ड वाला कट हो जाएगा इधर से, ये जो थर्ड आता है ये नहीं लेना आपने, ये वाला पार्ट लेना, तो इस पार्ट में क्या है आपका, इस पार्ट का लेना आपने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो कितने हैं यहाँ पे आपको दे रखे हैं 5 दे रखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, एक तो ये पार्ट है और ये पार्ट, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ऐसे आ रहा है, देखिए आप ध्यान से कि इसको एक बार छोड़िए, ये है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, इसमें ये थर्ड पार्ट दिया रहा, तो यहाँ पे ये भी आ रहा, तो ये पार्ट और ये पार्ट में क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था आपका डी, यहाँ लिखा हुआ था ई, तो आप लिखो यहाँ पे कि मैथमेटिक्स ए है एंड केमिस्ट्री के लिए सी है, तो वो क्या है आपका डी प्लस ई, कितना है 5, वो कितना आ गया आपका थर्ड फोर्थ इक्वेशन आ गया। ऐसे इसने आगे क्या बोला है कि 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, अब मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए, ये मैथमेटिक्स है और ये फिजिक्स के लिए, इनका कॉमन क्या है बी और ई, तो आप लिखिए नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो क्या आ रहा है आपका बी और ई आ रहा है, यानी बी पार्ट और ई पार्ट कॉमन है, वो कितना है 9, तो आप फिफ्थ इक्वेशन मानिए। फिर क्या बोल रहा है इसमें कि 9 हैज टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 हैज टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए क्या है, ये फिजिक्स है ये केमिस्ट्री के लिए, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है ई और एफ, ई और एफ, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या आएगा ई और एफ, कितना आया था, कितना बोला है इसने, बोला है इसने 4, 4 बोला है, तो ई और एफ कितना हो जाएगा 4, ये आपका सिक्स, तो ये सिक्स क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए आप किसने बोला है कि 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, ऑल 3 सब्जेक्ट, तो ऑल 3 सब्जेक्ट के लिए यानी तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, आप देखिए कि ये वाला पार्ट तो ये बीच में आएगा, इस तरह से आप डायग्राम बना रहे हो, तो आप देखिए कि ये फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया और ये थर्ड सेट, तो तीनों का कॉमन ये बीच में क्या था ई, ई है, तो ये कितना है 4, ये आपका 7 था, ये 4 है। अब देखिए आप ई की वैल्यू यहाँ, ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एफ की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करोगे तो बी की वैल्यू आएगी, यहाँ डी की वैल्यू आएगी, यहाँ डी ई एफ, तो यहाँ पे यानी ई की वैल्यू आप ऐसे पुट करती रहिए, आप ए बी सी डी ई सबकी वैल्यू निकाल सकते हो आप इनका यूज करके, तो आप निकालिए पहले कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे आप, इक्वेशन का यूज करेंगे आप ई की वैल्यू पुट इन 6 फ्रॉम 6 फ्रॉम इक्वेशन 6, 6 में देखिए आप क्या है ई प्लस एफ, ई प्लस एफ लिखा हुआ था,
तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 + f इक्वल कितना था, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ई और एफ कितना है, ये 3 था, सॉरी ई कितना था, 3 था, ये 3 था, तो एफ 4 था, तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1। एफ की वैल्यू क्या आगे 1, यहाँ नहीं, ये जो ई की वैल्यू यहाँ पुट की, तो एफ की वैल्यू कितनी आगे 1। अब आप सी क्या करेंगे, फ्रॉम 6 तो आ गया, 5th लीजिए, 5th में देखिए क्या करोगे आप, ये लिखा है बी प्लस ई, तो बी प्लस ई, बी की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू कितनी आपकी 3, और कितना दिया हुआ है 9, तो बी कितना आ जाएगा 6, बी कितना आ गया 6 आ गया। तो इस टाइप से आप वैल्यूज निकालोगे, आप देखोगे बी बी की वैल्यू आ गई और बी की निकाल ली हमने, और किसकी निकाल ली, एफ की वैल्यू निकाल ली, तो बी और एफ आ गया। अब आप एफ देखिए, यहाँ पे एफ ये रहा, ये एफ है, इसमें से ये एफ आ गया, ये किसके लिए आया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, इसमें से ये पार्ट कट हो गया, यानी ये इतना इतना पार्ट दिखा रहा है आपका, ये वाला, यानी इस टाइप से ये वाला पार्ट, ये वाला एफ पार्ट, तो इसमें क्या है, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, इसमें क्या नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, तो जो पार्ट अपना थर्ड क्वेश्चन क्या था, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट, नहीं सॉरी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन इसका सोल्व हो जाएगा, यहाँ से एफ आप निकालोगे तो उसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, ये जो एफ आया था ये क्या आ जाएगा, क्या होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, कहने का मतलब क्या है कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यहाँ मैथ पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ई पार्ट यहाँ पे नहीं है, ओनली एफ एफ है, तो एफ ओनली के अंदर क्या आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आएगा, तो इसका जो एक पार्ट ये निकालना था, ये कौन सा पार्ट था इसका, मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, 4th पार्ट, तो ये 4th पार्ट का जो आंसर है वो 1 होगा। अब हमने एक सोल्व किया है बी पार्ट, तो बी देखिए कहाँ पे आ रहा है, बी आ रहा है आपका, बी पार्ट आ रहा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में बट नॉट केमिस्ट्री आ जाएगा, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, 5th पार्ट देखिए, मैथमेटिक्स एंड 5th पार्ट का हो जाएगा ये हमारा, ये बी पार्ट देखिए यहाँ आया है इसमें, तो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आ रहा है, तो लिखोगे आप मैथमेटिक्स मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ये 6th इसका आंसर आएगा, कि ओनली मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, इसमें केमिस्ट्री पढ़ने वाले नहीं है, तो इस प्रकार से ये 5th पार्ट इसका सोल्व हो गया। अब आप सभी वैल्यूज ऐसे ही निकाल लोगे, एक दूसरे में पुट करते रहोगे, इससे पहले क्या है, आप देखिए यहाँ पे ये बी का आ गया, बी और ई, यहाँ से डी की वैल्यू निकालिए, फ्रॉम 4th में यहाँ पुट कीजिए, डी ई कितना है 3 इक्वल 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब डी कहाँ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, बट नॉट फिजिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, यानी ये फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, ओनली क्या पढ़ेंगे, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे आगे वाली नेक्स्ट फिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू हमें आई थी वो लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखिए आप कि डी की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और एफ की वैल्यू तो है, ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, इसमें 7-8 पार्ट निकालने हैं। अब आपने यहाँ से डी और ई निकाले, यहाँ देखिए डी ई और एफ की वैल्यू, तो जी की निकाल सकते हैं यहाँ से, थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम 3rd से आप निकाल सकते हो, डी की वैल्यू कितनी आई थी 2,
और e की वैल्यू थी हमारे पास 3, f की वैल्यू थी 1 प्लस जी इक्वल 11 है, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये है g, तो g ओनली g आया, यहाँ पे ये g पार्ट है, यहाँ ये वाला, तो ये ओनली केमिस्ट्री के लिए जो आंसर आएगा, ये किसके लिए आएगा, ओनली केमिस्ट्री, ये ओनली केमिस्ट्री के लिए आएंगे 5, क्योंकि g है ओनली, इतना पार्ट है ये, देखिए आप सिर्फ ये इतना ही पार्ट है, ये वाला पार्ट ही है, बाकी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ओनली किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, क्यों, ठीक है, जी पार्ट किसमें है, सी इसमें है, केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ से आ गया, अब आप सेकंड इक्वेशन का यूज कीजिए, सेकंड फ्रॉम टू ये है बी, बी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू निकाल ली है अभी, और ए की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 1 है और इक्वल में कितना है 12, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अब सी का है यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो ये किसके लिए, ओनली फिजिक्स के लिए, तो यहाँ लिखोगे ओनली फिजिक्स, ये ओनली फिजिक्स का कितना आ जाएगा 2 है, ऐसे स्टूडेंट जो ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, ओनली फिजिक्स के लिए 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए, यहाँ पे बी डी और ई की वैल्यू आ गई, तो ए बी कितना है 6, बी 6 है और डी कितना था, डी हमारा था 2, ई हमारा था 3, इक्वल में कितना है 15, तो आप देखिए 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 उधर जाके माइनस का हुआ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, अब ए देखिए कहाँ पे ये, तो ये क्या आ जाएगा, ओनली 4 मैथ्स, ओनली मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, तो ओनली मैथ्स वाले कितने हैं 4, ये निकल गया आपका ओनली वाले, ये आ गए। अब आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, कहता है कि एटलीस्ट कम से कम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले, एटलीस्ट है यानी सभी को प्लस कीजिए, ए बी सी डी ई एफ, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ठीक है, एटलीस्ट ऐसे बोला है इसने, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, 1 ऑफ कम से कम एक, 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको प्लस कीजिए, कितना आएगा, ए बी सी डी ई एफ, इन सबको क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, तो एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट आ गए, इन सबको प्लस करके देखो, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 आई है, बी की वैल्यू कितनी थी 6, सी की वैल्यू कितनी आई 2, डी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू जी 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 की वैल्यू 5, 10, 12, 14, 17, 23 आ जाएगा, तो 23 सब क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 का मतलब क्या है, तीनों का यूनियन, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी है ये, ए यूनियन बी यूनियन सी, कितना है देखो, यूनियन कितना है 23 और यूनिवर्सल कितना 25, यानी टोटल 25 है, उसमें से 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो 23 स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये तीनों का यूनियन है, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 का मतलब क्या है, यूनियन तीनों का, यानी यहाँ पे ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है इसका मतलब, ए यूनियन बी यूनियन सी 23 आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, हैव टेकन नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट बोला है इसने, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आप कि जो यूनियन आया है उसको आप माइनस कर दीजिए, किसमें से, यहाँ डी और एफ की वैल्यू 1 आई थी, जी की वैल्यू 5 आई थी, सी की वैल्यू 2 आई थी, ए की वैल्यू 4, ए बी सी डी ई, ई की वैल्यू 3, ठीक है, तो नन ऑफ 3 का मतलब क्या है,
कि जो यूनिवर्सल है, नन ऑफ थ्री, नन ऑफ थ्री सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ तीनों का यूनियन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी 25 माइनस का 23 कितना आ जाएगा, 2। 2 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कोई भी सब्जेक्ट, इन तीनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के हमने सभी सोल्व कर लिया, इसके ओनली वाले भी हो गए, ये भी हो गया। अभी कुछ और रह गया क्या, देखता हूँ मैं, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की, जी की, और ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहेगा कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, वी हैव टेकन ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली मैथ पढ़ने वाला, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाला, ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाला, तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ओनली मैथ पढ़ने वाला ए है, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाला सी है, ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाला जी है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, ए, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी थी, 4, स्मॉल जी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी थी, 2, और जी की वैल्यू कितनी थी, 5, तो कितना आया, 11। 11 ऐसे हैं जो ओनली मैथ पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है और केमिस्ट्री पढ़ता है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी था, 8 पार्ट थे इसके, आप इस टाइप से करोगे तो इजिली हो जाएगा आपका। आप इस टाइप से क्या करें, आप पहले यूनिवर्सल दिया इसने 25, फिर सेट मान लीजिए कि ए सेट किसके लिए है, तो कैपिटल ए है वो सेट मैथमेटिक्स के लिए, कैपिटल बी है वो फिजिक्स के लिए, और कैपिटल सी है वो केमिस्ट्री के लिए। फिर स्मॉलेस्ट ए बी सी डी ई और एफ एंड जी जो एलिमेंट्स लेते हो वो क्या है, सेट ए बी एंड सी के लिए है। तो आप ऐसे डायग्राम बनाइए और इसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे पुट कर दीजिए। फिर इसने जैसे जैसे बोला है, अब इसने नंबर ऑफ ए बोला है, तो ए डायग्राम दिया हुआ है जो ए वाला पूरा सर्कल बना है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो सबको प्लस करके रखिए कितना दिया हुआ है। ऐसे ही बी सर्कल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उन सबको प्लस करके इक्वल रख दीजिए। ऐसे ही नंबर ऑफ सी में आ जाएगा, सी सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनको इक्वल रख दीजिए। फिर उन दोनों का यूनियन बोला है, पहले दोनों का यानी ए और बी का यूनियन में क्या क्या आता है सर्कल में, तो बी और ई आता है, ए और सी के यूनियन में डी और जी आता है, सॉरी डी और ई आता है, बी और सी के इसमें यूनियन में क्या आता है, बी और ई आता है, फिर ये इक्वल रख दीजिए। फिर एक ही क्वेश्चन, ई की वैल्यू क्या है जो तीनों में कॉमन आता है, वो है 3 है। अब उसका यूज पहले ई वाला एफ के अंदर कीजिए, तो ई की वैल्यू पुट करोगे तो एफ की आ जाएगी, फिर ई की वैल्यू पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू पुट करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप ई एफ जी की वैल्यू, डी ई एफ की वैल्यू पुट करोगे तो जी की आ जाएगी। ऐसे वैल्यूज पुट करते रहो, सबकी वैल्यूज आ जाएगी और वैसे वैसे उनके आंसर आते रहेंगे। तो इनको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करवा दूं, क्या करते हैं,
लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल पर सही।